Hi everyone. Today our class is all about HR policy. This is an important question. तो काफ़ी बार question आ जाता है HR policy के ऊपर कि what is HR policy? Explain its objectives, importance, advantages, disadvantages. तो आज की class में हम करने वाले हैं HR policy concept, advantages, limitations, साथ ही साथ कुछ HR पॉलिसी ट्रेंड्स जो आजकल चल रहे हैं उसका एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको, प्लस प्रोसेस एंड आल्सो अ साउंड एचआर पॉलिसी. इसी के साथ ही एक टॉपिक आएगा हमारा टाइप्स ऑफ एचआर पॉलिसीज. तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं एचआर पॉलिसी से रिलेटेड, तो सारे मैं एक ही वीडियो में कवर करूँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज एचआर पॉलिसीज? एचआर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ अ कंपनी इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द कोड्स, प्रोसीजर्स एंड रूल्स ऑफ द कंपनी. पॉलिसी, सबसे पहले तो पॉलिसी पता होनी चाहिए, पॉलिसी होती क्या है, फिर एचआर पॉलिसी के बारे में बात करेंगे. पॉलिसी कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कंपनी के बारे में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन पता चलती है. तो एचआर पॉलिसी, पॉलिसी इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स ओनली. ऑल राइट, सो पॉलिसी इज द रिटन डॉक्यूमेंट, प्रोसीजर ऑफ अ कंपनी दैट डिफाइंड द कोड्स, प्रोसीजर्स कैसे करना है, क्या रूल्स होंगे कंपनी के. व्हाई? इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ आंसरेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द एम्प्लॉयज एंड एड्रेस की इश्यूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉय एट डिफरेंट लेवल्स. तो क्या होता है, कंपनी में कभी भी पॉलिसीज बनाई जाती है तो वो किसके लिए बनाई जाती है, ताकि की इश्यूज़ को ध्यान में रखा जाए, प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखा जाए. कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होंगी जिनके लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी और जिससे एक आंसरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आएगी एम्प्लॉयज़ में. तो बहुत ईजी है ये, इसको एक बार अच्छे से समझ लोगे तो हो जाएगा. एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं एचआर पॉलिसीज के, लाइक वर्किंग आवर्स. वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए? 8 आवर्स होने चाहिए, 5 आवर्स होने चाहिए, 6, 7, 9, 10, वॉट? ठीक है. कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होना चाहिए. लीव पॉलिसी, फॉर एग्जांपल मटर्निटी एंड पैटर्निटी. ग्रीवियंस रिड्रेसल, किसी को कोई प्रॉब्लम है वो अपने एम्प्लॉयर के पास लेके गया, उसका जो रिड्रेसल है वो कैसे होगा. फॉर एग्जांपल सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस, कंप्लेंट, डिस्क्रिमिनेशन. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाई जाएगी कि आपको एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल, कैसे अप्रेजल होगा, उसके बेसिस पे आपकी जो सैलरी होगी वो डिसाइड होगी. देन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, क्या क्या चीजें आप बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो भी आपकी एचआर पॉलिसीज का पार्ट है. नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये पूरे लिखने की जरूरत नहीं, आप इसमें से कुछ लिख सकते हैं. आई होप यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि एचआर पॉलिसीज में किन किन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है. ठीक है, अब आते हैं एडवांटेजेस, इम्पॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, ये सब चीज़ें एक है. जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से आराम से लिख सकते हो, और या फिर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आए तो मैं आपको बता दूंगी कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखते हैं. फर्स्ट एडवांटेजेस इज एलिमिनेशन ऑफ चांसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. जब आप किसी चीज़ की पॉलिसी बना देते हो ना, तो डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस बिल्कुल निल हो जाते हैं, क्योंकि एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है डैट विल बी अप्लाइड टू एवरी एम्प्लॉय. ऐसा नहीं होगा कि एक एम्प्लॉय को आपने ये ट्रीटमेंट दे दिया, दूसरे एम्प्लॉय को आप कुछ और ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो सब एम्प्लॉयज़ के लिए वो इक्वल होगा. अब रही ऑब्जेक्टिव की बात, अगर सेम क्वेश्चन आपके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्म में आता है तो आप लिखोगे टू एलिमिनेट द चांसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, टू क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव सारे टू से स्टार्ट होते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, इम्पॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स में कोई खास डिफरेंस नहीं होता. इम्पॉर्टेंस आपके टू द पॉइंट आप हेडिंग लिखते हो, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम टू, टू एलिमिनेट, टू सर्व, इस तरह से. ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना. चलिए, फर्स्ट था आपका एलिमिनेशन ऑफ चांसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. सेकंड इज कंसिस्टेंसी इन एनफोर्सिंग रूल्स, सबके ऊपर एक जैसे रूल अप्लाई होंगे, कंसिस्टेंसी होगी. थर्ड इज सर्व एज अ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस. स्टैंडर्ड का मतलब आपने पहले से फिक्स कर दिया क्वालिटी,
सब परफॉर्मेंस पहले से फिक्स कर दी आपने, तो सर्व वैसे स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। देन फोर्थ पॉइंट इज रिजॉल्व इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। ध्यान से देखिए इसे, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल होते हैं जब दो लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, इंट्रापर्सनल जब आपके खुद में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, इंटर ग्रुप जब दो ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। इनको रिजॉल्व करने की पॉलिसीज रिफ्लेक्ट द मैच्योरिटी एंड विजडम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी पॉलिसीज होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज को डिपिक्ट करती है, तो इसलिए पॉलिसीज इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रमोट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर सके, इसलिए पॉलिसीज बनाई जाती है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन, ताकि कोई प्रॉब्लम आए हम वहीं पे रुक ना जाए, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ते जाएं। क्लियर है बच्चे? तो अभी मैं थोड़ा सा फटाफट से रिपीट कर देती हूँ। डिस्क्रिमिनेशन का कोई चांस ना हो, फर्स्ट पॉइंट। कंसिस्टेंसी इन एनफोर्सिंग रूल्स, कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, एक जैसे रूल्स फॉलोअप होने चाहिए सबके लिए। सर्व एज ए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, आपने परफॉर्मेंस के लिए भी एक स्टैंडर्ड बना दिया, उसके जैसा ही सबको फॉलो करना है। रिजॉल्व इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी ग्रीवियंसेज होंगी उसके लिए आप कहाँ जाओगे, इसकी पॉलिसी यही। रिफ्लेक्ट द मेच्योरिटी एंड विजडम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कोई भी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज को डिफाइन करती है, इससे स्टेबिलिटी आती है। एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन, आप वहीं पे रुक नहीं जाते, आप आगे बढ़ते हो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज योर डिसएडवांटेजेस, यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स। सबसे पहली चीज रिजिड है, रिजिड होती है पॉलिसीज, एक बार बना दी जाती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, चेंज नहीं होती। कई बार आप देखते हो ना कि हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, हमें एक आंसर मिलता है कि ये तो पॉलिसी है, ये तो हमने नहीं बनाई, ये तो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, ऊपर से बनी आ रही है, तो रिजिडिटी है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। नो इमोशनल साइड, आपकी इमोशनल स्टोरी को कोई नहीं सुनेगा, दे विल टोटली वर्क अपॉन द पॉलिसीज। लेस चांसेस ऑफ इनोवेशन एंड आइडियाज, टाइम बदलता जा रहा है लेकिन इनोवेशन और आइडियाज को पॉलिसीज रिप्रेजेंट नहीं करती जल्दी से। करंट सिचुएशन डू नॉट गेट कंसीडर्ड अगेन द सेम थिंग, आज की डेट में क्या चल रहा है, COVID-19 की वजह से इतना हंगामा हुआ, इतने सारे चेंजेस आए, ऑब्वियसली सडनली पॉलिसीज कैन नॉट बी चेंज, बट इट कैन बी चेंज लेटर ऑन। ठीक है, वो हम टाइप्स ऑफ पॉलिसीज में पढ़ेंगे फिर। कॉन्टिन्यूसली मॉडिफाइड एंड रिवाइज, पॉलिसीज का एक नेगेटिव साइड ये है कि आपको वो मॉडिफाई करनी पड़ती है, बार बार चेंज करनी पड़ती है। कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज, और पॉलिसीज की वजह से कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होते हैं। अब आप ये सोचोगे कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज होंगे, कॉन्फ्लिक्ट इसलिए अराइज होंगे क्योंकि करंट सिचुएशन को तो ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, और कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, एडमिशन्स होते हैं, कई बार डिमांड ड्राफ्ट मांगा जाता है, तो काफ़ी सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं या फिर काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना है तो आप ऑनलाइन पेमेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। बट व्हाट ऑर्गेनाइजेशन यूज टू से दैट दे से नो, वी आर हैविंग अ पॉलिसी दैट वी विल बी एक्सेप्टिंग ओनली डिमांड ड्राफ्ट, वी डो नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ऑप्शन फॉर द ऑनलाइन पेमेंट्स। सो व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस, कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, व्हाई, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज। All right, I hope I'm very much clear here that what are the advantages and disadvantages of policies. छोटा सा example है, स्टारबक की HR policy, जो कि स्टारबक की वेबसाइट से ली गई है, कि उनकी HR policies कैसी है। मैं आपको पहले ही बताती हूँ, कोई टॉपिक सीखने के लिए बेटर है कि आप उसकी वेबसाइट पर जाओ, तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें होती है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगी, पता नहीं आप इंटरेस्टेड है या नहीं, पर देख लेते हैं एक बार। उनकी फर्स्ट पॉलिसी है एंटी रिटायलेशन पॉलिसीज, नो काउंटर अटैक ऑन एनी पार्टनर हु रेजेस कंसर्न और क्वेश्चन अबाउट पॉलिसीज। इसका मतलब कि अगर कोई पार्टनर, कोई मेंबर कंपनी में कोई भी क्वेश्चन उठाता है किसी पॉलिसीज की वजह से, तो उसको इतनी क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी, उसके ऊपर कोई काउंटर अटैक नहीं किया जाएगा, दैट द पर्सन शुड मेड बी फील वेरी कंफर्टेबल। सेकेंड, हायरिंग पॉलिसी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। थर्ड, वर्क प्लेस एनवायरमेंट कैसा होगा स्टारबक का, फ्री ऑफ हरासमेंट, बुलिंग, डिस्क्रिमिनेशन। Then the policy of diversity, that they will include all type of people with their unique abilities and strength. Workplace health, safety and security के पर भी policy है, ताकि training उन्हें provide की जाए, जब भी accident हो या injuries हो उनको तुरंत बताया जाए। Starbucks quality and consumer protection, training provide की जाती है employees को, ताकि वो consumers की health का भी ध्यान रख सके। Substance abuse and weapons, no alcohol on the workplace, drugs in workplaces. Wage and hour rules, compensation based on the hours worked, community involvement,
सेल एंड यूज एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इंसिस्टिंग एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कॉर्पोरेट वैल्यू। तो कितनी अच्छी चीज है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात की गई है। तो ये कुछ रियल एग्जाम्पल्स हैं स्टारबक्स एचआर पॉलिसी के, जो उनकी वेबसाइट से लिए गए हैं। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हम सिर्फ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं, इनकी सच में एक रेलेवेंस होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एसेंशियल्स ऑफ अ साउंड एचआर पॉलिसीज। तो क्या क्या होना चाहिए जब हम एक पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से रिलेट की होनी चाहिए। हेल्प्स इन अचीव स्ट्रैटेजिक एम्स। स्ट्रैटेजिक का मतलब कि जहां कहीं भी आपको चेंज की रिक्वायरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई की जानी चाहिए। प्रोड्यूस एम्प्लॉय स्किल्स। एचआर पॉलिसी इसे ऐसा होना चाहिए कि आइडियाज और इनोवेशन को बढ़ावा मिले, ना कि वो सब कुछ खत्म हो जाए, इसलिए स्किल्स एनहांस होनी चाहिए। मॉडिफिकेशन एंड रिवीजन, जहां जहां जरूरत है मॉडिफिकेशन और रिवीजन की फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए। सोशल जस्टिस की भावना होनी चाहिए। एक पॉलिसी बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी एम्प्लॉय को टारगेट कर रहे हो। कंसीडर लीगल लॉज। पॉलिसी बनाते वक्त लॉस का बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल 8 आवर्स की जॉब है, आप एक पॉलिसी बना देते हो कि हमारे या तो एम्प्लॉयज 12 आवर्स काम करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको लीगल लॉस को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। एविडेंस बेस्ड एचआर पॉलिसीज। एविडेंस का मतलब जिसके आपके पास फुल प्रूफ है, सर्टिफिकेट्स है, या आपको पता है कि आपकी आपके जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज़ फॉलो की जाती है, वही आप पॉलिसीज बना सकते हो। अब उन पॉलिसीज को बनाने के बाद दे हैव टू बी कम्युनिकेटेड टू द पीपल, टू द एम्प्लॉयज, चैनलाइज्ड टुवर्ड्स एम्प्लॉय वेलफेयर। पॉलिसी बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का हक खा जाएं। आपको एम्प्लॉयज के राइट्स, उनकी सोशल वेलफेयर, उनका सोशल जस्टिस, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। एंड साउंड बिजनेस एथिक्स, मॉरल वैल्यूज, क्योंकि कंपनी की कोई भी पॉलिसी उसकी वैल्यूज को डिफाइन करती है, तो बिजनेस एथिक्स उसमें शो किए जाने चाहिए। एथिक्स क्या होते हैं, जब आपको ये समझ होती है कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, तो ये थे कुछ एसेंशियल्स ऑफ साउंड एचआर पॉलिसी। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट थिंग इज प्रोसेस और स्टेप्स इन फॉर्मुलेटिंग एचआर पॉलिसीज। तो क्या प्रोसेस है, किस तरह से एचआर पॉलिसीज बनाई जाती हैं। सबसे पहला, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ अ पॉलिसी। पॉलिसी क्यों बनानी है, क्या रीजन है इसके पीछे। ड्यू टू न्यू लेजिस्लेशन, कोई नया रूल आ गया इसलिए। ड्यू टू इनकंसिस्टेंसी इन डिसीजन, डिसीजन नहीं समझ आ रहे हैं और उससे कैसे निपटा जाए, इस वजह से एक पॉलिसी बनानी है। टू रेक्टिफाई द नेगेटिव इम्पैक्ट इन वर्कप्लेस, वर्कप्लेस में कुछ गलत हो रहा है जो आपको खल रहा है, आप उसको करेक्ट करने के लिए आप एक पॉलिसी बना सकते हो। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड क्लैरिटी, क्लैरिटी लाने के लिए, एक जैसा बिहेवियर लाने के लिए आप पॉलिसी बना सकते हो। सेकेंड पॉइंट, कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च अबाउट लॉज। प्रोसेस में ही सेकेंड पॉइंट है कि आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी लॉज के बारे में, क्या आप किसी भी लॉ के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। टारगेट द पॉलिसी एरियाज, वो पॉलिसी किस किस एरिया के अंडर आएगी। कंसल्टेशन अप्रूवल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, दैट इज वेरी मच नेसेसरी। अगर आप सीनियर मैनेजमेंट से परमिशन नहीं लोगे तो आप एचआर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाओगे। इम्प्लीमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ एचआर पॉलिसीज, तो अप्रूवल लेने के बाद आप उसका प्रॉपर कम्युनिकेट करोगे, दैट ईच एंड एवरी एम्प्लॉय शुड गेट द इन्फॉर्मेशन ऑन एचआर पॉलिसीज एज सून एज पॉसिबल। एंड लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टिन्यूस अप्रेजल। आपको कॉन्टिन्यूस अप्रेजल करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि द वर्ल्ड इज डायनेमिक, एवरी टाइम देयर इज अ चेंज। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया था COVID-19 वाला, ठीक है, कि आप या फिर डिमांड ड्राफ्ट वर्सेस ऑनलाइन पेमेंट, तो वो क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस अप्रेजल। जब आपको पता चल जाता है कि यहाँ आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो, देन यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव दोज थिंग्स। तो ये जो प्रोसेस थी वो आप फॉलो कर सकते हो। इस तरह से एक नई पॉलिसी फॉर्मुलेट की जा सकती है। आई होप इट्स क्लियर। चलिए लास्ट टॉपिक इस वीडियो का एचआर पॉलिसी रिलेटेड, द टाइप्स ऑफ एचआर पॉलिसीज। तो कौन कौन सी पॉलिसीज होती हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं इसके ऊपर, और ये इजी है, डोंट वरी। नंबर वन, ओरिजिनेटेड पॉलिसीज। ओरिजिनेटेड पॉलिसीज आर डेलिब्रेटली बाय टॉप मैनेजमेंट, दे आर मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को बताना है अपने इंप्लॉयज को, इसलिए वो पॉलिसीज ये बना रहे हैं। अपील्ड पॉलिसीज, दोज आर रिक्वेस्टेड बाय द सबॉर्डिनेट्स। जहां आपको लगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स
ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं या फिर इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, तो जब सबॉर्डिनेट्स वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते देन दे यूज टू अपील टू द सीनियर मैनेजर्स दैट काइंडली इंटरवेन एंड मेड अ पॉलिसी सो दैट इट शुड बी इन्फॉर्म टू ईच एंड एवरी वन रादर देन हैविंग लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. नंबर 3, इम्पोज्ड पॉलिसीज. इम्पोज्ड पॉलिसीज क्या होती हैं? जो अंडर प्रेशर बनाई जाती है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट. कोई नया रूल और रेगुलेशन आ गया, अब आपको उसको फॉलो करना है. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 इम्प्लॉयज़ है तो आपको क्रेश रखना है बच्चों के लिए अगर आपकी इम्प्लॉयज में फीमेल वर्कर्स काम करती हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है, तो इस तरह की कोई चीज़ होगी तो आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी. वो पॉलिसी किस में आएगी? इम्पोज्ड पॉलिसी में आएगी. नंबर 4, जनरल पॉलिसी. जो बेसिक रूटीन की पॉलिसीज होती हैं, फॉर एग्जांपल अब अगर एक एम्प्लॉय को लीव लेनी है तो कितने दिन की लीव ले सकता है, कितने दिनों के बाद उसे आना पड़ेगा, क्या उसे मेडिकल सबमिट करना है मेडिकल लीव के दौरान, CCL लेनी है, कुछ भी इस तरह की लीव्स होती हैं वो सारी की सारी जनरल पॉलिसीज में आती है. देन स्पेसिफिक पॉलिसीज, स्पेसिफिक मैटर को हैंडल करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है. फॉर एग्जांपल लेट्स से द सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी बनाई गई या फिर बुलिंग के लिए कोई कमिटी बनाई गई, ग्रीवियंस कमिटी बनाई गई, तो ये जो स्पेशल एक्शन कमिटीज होती हैं वो सारी की सारी स्पेसिफिक पॉलिसीज में आती हैं. एंड द लास्ट वन, रिटर्न और इम्प्लाइड पॉलिसीज. नाम से ही पता चल रहा है जो रिटर्न में होंगी और जो इम्प्लाइड होगी. तो रिटर्न का एग्जाम्पल तो बहुत सारे आप दे सकते हो कि रिटर्न में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं. नो स्मोकिंग, दैट इज़ अ रिटर्न पॉलिसी. ठीक है, इम्प्लाइड पॉलिसी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये इम्प्लाइड है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्म एक डिसेंट होनी चाहिए, जो आप कपड़े पहन के आओ डिसेंट होनी चाहिए, आप किसी दूसरे से बात करो तो किस तरह की होनी चाहिए, आप ऑफेंसिव वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते किसी के खिलाफ, आप किसी को यू नो एब्यूसिव लैंग्वेज आप यूज़ नहीं करोगे, एब्यूसिव फोटो सेंड नहीं करोगे, सोशल मीडिया का गलत यूज़ नहीं करोगे. तो दीज आर सम काइंड ऑफ एम्प्लॉयड पॉलिसीज जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ को शो करती है. तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. HR पॉलिसी से सब कुछ हमने कर लिया है, तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू HR पॉलिसी वो इसी में से ही आएगा. आई होप इट्स वेरी मच क्लियर. इफ़ इट इज़ क्लियर, इजी टू अंडरस्टूड, काइंडली राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.